सुनिए, बेलन के लंबाई के अनुदिश धारा का प्रवाह, अगर बेलन के लंबाई के अनुदिश धारा का प्रवाह होता तो हम लंबाई क्या लेते, L, लंबाई क्या लेते, लेकिन बेलन के लंबाई के लंबवत हो रहा है तो तुम ऐसे में जब जाओगे तो R पे जाके क्या माने, dr, वो उसकी क्या है धारा, क्या हो गया dr में कितना प्रवाह हुआ तो वो लंबाई होगी, कौन सी, dr, अपॉन में लिखोगे एरिया, एरिया एक बेलन का क्या लिख सकते हैं, क्या सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में हो रहा है, नहीं, ऐसे पूरे ऊपर से लेके कहां तक, नीचे तक, सब जगह ऐसे, सब जगह ऐसे से जा रहा है कि नहीं, तो पूरी पूरा एरिया लोगे तो बताओ एक बेलन का पूरा एरिया कितना होता है क्षेत्रफल, ये गोले में कितना, 2πr, और नीचे कहां तक जाओगे, l लंबाई तक, 2πr into, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरंभ मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 2 लेकर। देखते हैं, लेक्चर 1 में मैं आपको याद दिला दूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया था। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था I बराबर होता है I बराबर होता है Q/T और Q बराबर होता है NE। बोलिए, फिर हमने आपको बताया था I बराबर होता है NEAVD, I बराबर क्या होता है NEAVD, फिर VD बराबर भी बताया था आपको EE/M इंटू टाउ, फिर थर्मल वेलोसिटी तापीय वेग भी बताया था आपको, ठीक है। ऐसे मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए थे और उस पर सवाल कराए थे और 3 प्रोफाइल करवाया था, मुझे याद है, एक जब आपको दिया हो इलेक्ट्रॉन पर लेंथ, इलेक्ट्रॉन पर लेंथ गिवन हो तो उसके फॉर्म में बनाएंगे, एक जब दिया हो आपको इलेक्ट्रॉन पर प्रति आयतन, एक इलेक्ट्रॉन प्रति लंबाई और एक बार इलेक्ट्रॉन प्रति एटम, तो मैंने आपको बता दिया था उन तीनों के लिए। अब आज का टारगेट क्या क्या है चलिए देखते हैं। आज सबसे पहले क्या देखेंगे, ओम का जो है नियम देखेंगे, ओम्स लॉ, और फिर VI कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है अभिलाक्षणिक, क्या होता है अभी, ग्राफ देखेंगे, फिर उस पर प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर चालक के बारे में थोड़ा जानेंगे, कंडक्टर, फिर कुछ टर्मिनोलॉजी होंगे, शब्दावली उसको देखेंगे, फिर उसमें से जो आएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध R के बारे में, फिर उस पर क्या करेंगे, बहुत सारे प्रश्न करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है, कहता है कि यदि भौतिक राशियां जैसे तापमान, प्रेशर, दाब, दबाव को बोलेंगे आप दाब, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ और एरिया, अनुप्रस्थ काट या पदार्थ की प्रकृति, मटेरियल का नेचर, ठीक है, क्या स्थिर रखी जाए, क्या रखा जाए, मतलब कांस्टेंट रखा जाए, क्या रखा जाए, क्या क्या बोला हमने, तापमान, दाब, वॉल्यूम, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल, उसको आगे चल के रेजिस्टिविटी बोलते हैं, अगर ये कांस्टेंट रखा जाए तो कहते हैं चालक से प्रवाहित धारा चालक पर लागू विभांतर के समानुपाती होता है। तो कहते हैं अगर ये सब कांस्टेंट रखा जाए तो आप देखोगे कि जो V होता है वो समानुपाती होता है किसके, I के, किसके, I के, I क्या है, जो किसी चालक से क्या बह रहा है, धारा बह रहा है, और अगर ऐसा है तो इसी को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, समझ गए। अब समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, एक उस कांस्टेंट का नाम ही क्या है, R, इस R को ही बोल देते हैं प्रतिरोध, क्या बोल देते हैं, जब बोला ही गया कि एक कांस्टेंट आएगा समानुपाती को हटाएंगे तो ये कैसी चीज होगी, कांस्टेंट चीज होगी, मतलब ये R कभी भी I और V पर निर्भर नहीं कर रहा होगा, इसी को बोलेंगे प्रतिरोध, बोलोगे, जरा समझिए, हम यहां से लिख सकते हैं R बराबर V/I, क्या बच्चा ये सोचता है कि R
अगर हम आई को बढ़ा दे तो आर क्या हो जाएगा, कम। व्युत्क्रमानुपाती किसके दिख रहा है, आई के। अगर वोल्टेज को बढ़ा दे तो आर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि ये इसके क्या है, समानुपात। जबकि ऐसा सोच बिल्कुल ही क्या है, गलत। पूछो क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला आर एक कैसा है, कांस्टेंट है, तो वो वी और आई पर निर्भर नहीं करता। हाँ, आर किस पर निर्भर करता है वो आपको पता है, वैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी रजिस्टिविटी पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता पर। किस पर? किसी भी चालक की लंबाई पर, किसी भी चालक की, या किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप समझिए कि किसी भी तार का जो चालक होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। अगर 10 ओम का है वो 10 ओम चेंज होने वाला नहीं। सुनिए इसका मतलब क्या है फिर सर, अगर करंट ज्यादा है इसका मतलब है प्रतिरोध उस तार का क्या रहा होगा, कम रहा होगा। अब प्रतिरोध क्या, अभी मैं चर्चा करूंगा प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है, नाम ही है प्रतिरोध, विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा। किसका? धारा के प्रवाह का। धारा के प्रवाह का क्या करेगा? विरोध करेगा। उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो अब देखिए, अगर मैंने बोला ये कांस्टेंट है, तो किसी चालक से अगर आई ज्यादा बह रहा है, आई क्या हो रहा है, मतलब विरोध करने वाला क्या है, कम है। इसका मतलब यह है कि उस तार का रेजिस्टेंस कम नहीं हो रहा है, मतलब कम हो, मतलब समझ गए ना, बोलो यार। अगर किसी तार से धारा बह रही है ज्यादा, इसका मतलब उसका प्रतिरोध पहले से क्या है, कम है, क्योंकि विरोध करने वाला क्या है, कम। बस ये समझना है। आर वी एंड आई पर निर्भर नहीं करता, देखने में जरूर लगता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैं जब पढ़ाऊंगा अभी आपको संधारित कैपेसिटर कैपेसिटेंस, तो उसमें बताऊंगा कैपेसिटेंस भी होता है C बराबर Q बाय V। देखने में बिल्कुल वैसे ही है, C बराबर Q बाय V। कि C किस पर डिपेंड कर रहा होगा, Q और V पर, जबकि C Q और V पर डिपेंड नहीं करता। लाइट चली गई, आगे चलते हैं। चालक, चालक दो प्रकार के होंगे, चालक दो प्रकार के। एक को बोलेंगे ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। क्या बोलोगे इसको? ओमीय चालक। अच्छा, एक को बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? ओमिक को बोलेंगे ओमीय चालक, नॉन ओमिक को क्या बोलेंगे? बहुत दुखद वाली बात। और इसको बोलते हैं ओमिक को, इसमें जो आएगा रेखीय VI अभिलाक्षणिक, और इसको बोलेंगे अरेखीय VI अभिलाक्षणिक। क्या कहना चाह रहा हूं ये समझिएगा, इसको ओमिक बोलेंगे तो ओमीय चालक, और नॉन ओमिक को क्या बोलेंगे? अओमीय चालक, गैर ओमीय चालक। अब जरा समझिए, ओमीय क्या होता है, नीचे साफ साफ लिख दिया हूं मैं, रेखीय VI कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा चालक जो ओम्स लॉ को क्या करे, फॉलो करे, सीधी सी बात, वो कैसा हो गया, ओमीय। ओम्स लॉ जरा देखो, वी समानुपाती किसके था, आई के, तो वी और आई के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, रेखीय।
कैसा बनेगा? रेखीय। इसको बोलते हैं लीनियर कैरेक्टरिस्टिक, रेखीय अभिलाक्षणिक। समझ गए क्या कह रहा हूँ? रेखीय अभिलाक्षणिक। अब अगर मैं बोलूँ कि ये ओमिक है तो किसको फॉलो करेगा? ओम के नियम का पालन करेगा। और ऑब्वियसली बात है ये ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। अब जरा देखो तो यहां ग्राफ वी वर्सेस आई का कैसा आ जाएगा बेटा? स्ट्रेटलाइन इस तरह। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कैसा है ये, नॉन ओमिक है, जिसको बोलेंगे अरेखीय वी आई कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या इसमें अब लिनियर आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। ये कैसा भी दिख सकता है आपको, बस ऐसा भी दिख सकता है। इसको क्या बोलेंगे? और एक ही है वी आई कैरेक्टरिस्टिक को बोलता अभी लाक्षणिक। चालक कितने प्रकार के भाई? कौन कौन से? ओमीय और गैर ओमीय। ओमीय क्या है? जो ओम के लॉ का नियम का पालन, ओम के नियम का पालन करेगा। और गैर ओमीय क्या है? जो ओम के नियम का पालन नहीं। क्या है ओम का नियम? कि वी समानुपाती होना चाहिए किसके, लेकिन ध्यान रखना है तापमान, दाब, अनुप्रस्थ काट, ये सब क्या हो? कांस्टेंट हो। तब चलिए ये आपको देखने को मिलेगा ध्यान से। ये मैंने बता दिया रैखिक और गैर रैखिक या अरैखिक। बोलोगे अभी मैंने बताया आपको अभिलाक्षणिक, बोलो समानुपाती होता है तो ये ग्राफ डायरेक्ट V वर्सेस I का कैसा हो जाएगा? अगला नॉन लिनियर, विशेषताएं नहीं अभिलाक्षणिक। समझ गए क्या? जरा बताना, अभी जस्ट बता दिया आपको। कैसा रेख होगा? अरेखीय। एक सवाल देखिए, अब जरा इस बात को समझिए, अगर ये इस तरीके से वी आई कैरेक्टरिस्टिक है जरा बात को समझना तनिक। तुमने बोला ग्राफ ऐसा होगा, बोलो सही है क्या? तो बताओ ये थीटा होगा, टेन थीटा क्या लिख सकता हूं? लंब बाय आधार, टेन थीटा क्या लिख सकता हूं? लंब क्या होगा? वी अपॉन में आई। और टेन थीटा को ही क्या बोलते हैं? ढाल। अरे बोलो, स्लोप ही क्या हो गया? ढाल। और वी बाय आई, बताओ वी बाई क्या देता है? आर। क्या देता है? मतलब वी और आई का ग्राफ का ढाल क्या देगा? प्रतिरोध। क्या देगा? प्रतिरोध। वी आई ग्राफ का ढाल प्रतिरोध देगा। बोलोगे? और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अभी मैं इस पे पूरा चर्चा करूंगा। वैसे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। इतना आपको पता है, इसका जो मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। इसको क्या बोलते हैं? ओम। अब जरा बात को समझिए, लेकिन क्या होगा अगर ये आई हम यहां प्लॉट करें और वी यहां प्लॉट कर दे, तो खेल पलट जाएगा। अगर इस आई को हम कहां लेके जाए? वाई एक्सिस पर, और वी को कहां लेकर जाए? एक्स एक्सिस पर, जो कि शायद आपको इस सवाल में देखने को मिल रहा है। चेक करो, आई को कहां ले गए? वाई एक्सिस पर। वी को कहां ले गए? एक्स एक्सिस पर। तो यह सवाल आपको देखने को मिल रहा है। अब बच्चा सांड की तरह भिड़ गया, देखा ही नहीं, सवाल पूछा है आर वन अपॉन में आर टू का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है सवाल? आर वन अपॉन आर टू क्या होगा? अनुपात पूछा है R1 और R2 का। अब बच्चा सोचा, अच्छा टेन थीटा इसका क्या देता है? स्लोप, रेजिस्टेंस। स्लोप क्या देता है? प्रतिरोध। एक का कितना है?
ये मैं बता देता हूँ, यार वन और ये 8। तो उसने बोला अच्छा, पहला अगर ये ऐसा होता है तो 10:30 क्या हो जाएगा, आर वन, और 10:60 क्या हो जाएगा, 8। बताना जरा यहां से 10:30 कितना हो गया, बोलो, 1/√3 बराबर क्या आ गया, आर वन, और ये कितना आ गया, बराबर 8। अब तुमसे क्या पूछा था, आर वन अपॉन, तो बच्चा क्या करेगा, आर वन अपॉन में, तो 1/√3 अपॉन में 3, तो कितना आ गया, 1/√3। बोलो क्या ये सही है, नहीं, क्या है ये, पाप, क्यों क्यों है पाप, क्योंकि ये किसके लिए होता है, जब ये v और i होता, मतलब y में क्या प्लॉट करते हैं आप, v, और x में क्या प्लॉट करते हैं, i, उसका स्लोप क्या देता है, प्रतिरोध। हमारे पास अंडरलाइन करने वाली चीज ये है कि ये किस में है, y में है, और ये किस में है, x में। तो कहानी पलटेगी और कंसेप्ट सुनिए, यहां पर क्या होगा, अगर ऐसा है कि ये आई है और ये क्या है, वी, अब बताओ इसका स्लोप हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 थीटा लंब बाय, अब बताओ आई बाय वी क्या देगा, 1/r, चेक करो, वी बराबर क्या होता है, आई आर, बोलो आर को इधर लेके आ जाओ, तो 1/r क्या हो जाएगा, आई बाय, तो आई बाई वी क्या देगा, 1/r, मतलब स्लोप किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, प्रतिरोध के, स्लोप किसके, ढाल किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, प्रतिरोध के। तो बताओ 10 थीटा बराबर क्या हो गया, 1/r, तो ढाल किसका, आई वी का जो ढाल होगा वो क्या देगा, 1/r को पता है क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को पता है क्या कहते हैं, चालकता, क्या बोलते हैं, नहीं वो कंडक्टिविटी होता है, क्या होता है, वो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टेंस को बोलते हैं, कंडक्टिविटी होता है चालकता, कंडक्टेंस, चालकत कहाँ लिखा है, मेरा पानी बोतल कहाँ है, पानी बोतल ले आना बेटा, अरे नहीं होता है चालक था, चलिए गलनांक किसको बोलते हैं, मेल्टिंग
क्या होता है? नोट्स में होगा ना? नोट्स में क्या लिखवाया हूँ? नहीं लिखवाया। अब अच्छा, वो रजिस्ट्रीबिटी है वो। चलो मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर, बताओ फाइनल। R1 अपन में क्या चाहिए? क्या रेसिप्रोकल है? उल्टा है। उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? टेन थीटा 2 अपन में टेन थीटा 1। तो बताओ R1 अपन में R2 क्या लिखेंगे? टेन थीटा 2 कितना हो गया? ठीक है, 1060 अपन में क्या जाएगा? 1030। बताओ 1060 वैल्यू √3। 1030 की कहाँ चला गया बताओ? R1 अपन में R2। तो ये आंसर है। ठीक है, ध्यान ये रखना है I वर्सेस V ग्राफ है या V वर्सेस I ग्राफ, ये सवाल आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब कौन सा ग्राफ है? VI ग्राफ। तो इसमें कोई दिक्कत? बताओ इसका ढाल क्या देगा? प्रतिरोध क्या देगा? जरा बताओ कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? जिसका ढाल सबसे ज्यादा उसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा। कुछ बच्चे बस बात करते रहते हैं, मुझे सब पता रहता है कौन बात कर रहा है कौन नहीं बात कर रहा है। लड़कियों में ध्यान दीजिए बेटा, पूरी क्लास आप बात करते हैं। कुछ नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है। थीटा 3 सबसे ज्यादा होगा, थीटा 2 फिर किससे? थीटा 1 से। जिसका ढाल सबसे ज्यादा होगा, जिसका ढाल सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा ढाल। तो जिसका थीटा ज्यादा हो उसका ढाल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसका होगा? R3 विल बी ग्रेटर देन, कौन सा ऑप्शन है? हेलो, बोलो क्लास में। चलिए देखिए इसको, क्या बोल रहे?
फूफा जी क्यों फोन कर रहा? सवाल को पढ़िए, क्या है सवाल? आपके सामने वीआई ग्राफ गिवन है, बोलो। तो कह रहा है कि एक ही पदार्थ और एक ही त्रिज्या वाले कितने प्रतिरोध हैं? दो। ठीक है, कितने प्रतिरोध हैं? दो। ऐसे चालक दोनों का त्रिज्या क्या है? सेम। और लंबाई भी क्या है? सेम। नहीं, लंबाई तो अलग, पदार्थ क्या है? सेम, मतलब रजिस्टिविटी। इसको रजिस्टिविटी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो पदार्थ की प्रॉपर्टी। दोनों की रजिस्टिविटी सेम है, दोनों का त्रिज्या सेम है, मतलब क्षेत्रफल क्या है? सेम है। क्षेत्रफल क्या है? सेम। आगे पढ़ो क्या है। तो दो प्रतिरोधकों के लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ, लंबाई जिनकी लंबाई L1 और L2 है, एक की लंबाई कितनी है और एक की कितनी है, जो चित्र में आपको दिखाए गए हैं। यदि कह रहा है कि L1 बड़ा है, L1 किससे बड़ा है? L2 से, तो कारण सहित बताइए कि इनमें से कौन सा ग्राफ L1 के लिए है और कौन सा ग्राफ L2 के लिए है। बुद्धि चलाओ, अच्छा सवाल है, कुछ कोई कैलकुलेशन फैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सोचने से आंसर आ जाएगा तुमसे। उसने इस बार आर के बारे में चर्चा नहीं किया है, इनडायरेक्टली चर्चा किया आर के बारे में। उसने बोला भाई दो प्रतिरोध है, एक का लंबाई L1 और एक का लंबाई, दोनों का त्रिज्या समान है, दोनों की पदार्थ जो है जिनसे बना है वो क्या है? समान। ग्राफ तुम्हारे सामने रखा गया है ए और बी का, मतलब L1 और L2, मतलब एक कोई हो जाएगा आर ए, मुझे नहीं पता कौन सा क्या होगा। तो कह रहे एक ए है और एक बी है, बताओ L1 और L2 का इनमें से कौन सा ग्राफ होगा? L1 बी हो सकता है या L1 ए हो सकता है, इस तरीके से आपको बताना। वी आई है, वी आई का स्लोप क्या देता है पहले ये बताओ। वी आई का ढाल क्या देता है, बोलो? ढाल क्या देगा? रेजिस्टेंस। क्या देगा? देखकर बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहा होगा, किसका? बी का, क्योंकि उसका ढाल क्या है? सबसे ज्यादा। अरे ये तो दिख रहा होगा यार, ये थीटा ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? थीटा बी। तो बताओ उसका ढाल सबसे क्या होगा? ज्यादा। तो मैंने बोला बोलो क्या बोला मैंने? फूफा जी का फोन क्यों आया? फोन आया इसका मतलब पक्का है वो कोई ना कोई काम धरवा दे, मैं समझ रहा हूँ। टेंशन ही है, रिश्तेदारी बहुत। चलिए आइए, टेन थीटा बी ग्रेटर है टेन थीटा ए से, तो बताइए रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? बी का ज़्यादा होगा, किससे? ए से। और अगर बी का रेजिस्टेंस प्रतिरोध ज़्यादा होगा किससे? ए से, तो आर बराबर होता है, थोड़ा बहुत याद हो तो अभी बताया नहीं हूँ, रो एल बाय ए, शायद इतना पता होगा आपको। उसने बोला है ये मटेरियल का है, ये कॉन्स्टेंट कर दिया है, ये भी क्या कर दिया है, तो R किसके समानुपाती हो गया? L के। ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। चूजे ये भी बताऊंगा मैं, वैसे नाइन्थ टेंथ क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो R किसके समानुपाती हो गया? L के। R किसका बड़ा है? B का। तो बताओ L किसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा? B। बोलोगे तो लेंथ किसका ज़्यादा होना चाहिए? B का। बोलो बोलो, तो L1 कौन सा हो गया? और कह रहा है कि L1 बड़ा है किससे? L2 से,
तो पक्का है कि L1 कौन सा होगा? B। ये वाला कौन सा होगा? L1। और ये वाला कौन सा होगा? L2। समझ गए क्या? तो पहला वाला L1 कौन सा वाला है बेटा? B वाला। ये कौन सा कहलाएगा? L1। और A वाला कौन सा कहलाएगा? L2। ऐसे बताना था। कहानी समझिए भैया। VI का ढाल क्या देता है? प्रतिरोध। ढाल किसका सबसे ज्यादा? बी का। तो प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसका? बी का। प्रतिरोध होता है रो एल बाय ए। मटेरियल पदार्थ जो है वो क्या है? कांस्टेंट। त्रिज्या मतलब बोले तो कांस्टेंट कर दिया। आर किसके समानुपाती हो गया? एल के। आर सबसे ज्यादा किसका? बी का। तो एल किसका ज्यादा? बी का। किससे? ए से। अब सवाल में पढ़ो क्या गिवन है। L1 इज ग्रेटर देन L2। तो मतलब बी ज्यादा है, तो यही वाला कौन सा रहा होगा? L1। और ए वाला क्या रहा होगा? L2। द VI कैरेक्टरिस्टिक ठीक है। एक प्रतिरोध जिसका IV विशेषताएं मतलब बोले तो अभी लाक्षणिक के उच्च मान के लिए एक सीधे रेखे से विचलित होती देखी जाती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्यों? ऐसा क्यों दिख रहा है? लिनियर क्यों नहीं है? वो पूछ रहा है आपसे, बताओ। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओम के नियम का पालन नहीं करता। बस सिंपल ये आंसर देना था। कैसा चालक है? गैर ओमीय चालक। ये बोलना ही अपने आप में ओम के नियम का पालन, चूंकि ओम के नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, इसलिए वी समानुपाती किसके नहीं होगा? आई के। तो इसलिए रेखीय नहीं होगा। टर्मिनोलॉजी अब आ गए, शब्दावली एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्या है? प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। जरा देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आपको बता दिया प्रतिरोध क्या होता है। अगर किसी चालक से धारा प्रवाह होगा तो उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। चलिए यूनिट बताइए, इसका भी बताया ओम। क्या बताया? कैसे डिनोट करते हैं इसको? इस तरीके से बोलोगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सजाएंगे, किसको? आर को। और इसके फॉर्मूले को वैसे प्रूफ करने का समय नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? बोलो भाई, बताओ। आपकी जैसी इच्छा नहीं, तुम लोगों की वजह से वैसे वैसे करना होता है हर काम। बताओ क्या करें? प्रूफ करूं क्या? कर दो। प्रूफ नहीं कर पाएंगे, चलो समय नहीं है। बस एक फॉर्मूला याद रख लो, R बराबर होता है, चलो कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें फिर पता नहीं चलेगा आया कहाँ से, क्योंकि इसी से काम होने वाला है। चलो बताओ, I बराबर क्या पढ़े थे? NEAVD। क्या पढ़े थे बताओ? VD को क्या बोले थे? अरे वो नहीं वेचर, क्या बोले थे? NEAEE/M इंटू टाऊ। ये पूछ रहा हूं, EE/M इंटू टाऊ। अब जरा इसको देखना ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे? बहुत E बराबर होता था V/L। क्या होता था? V/L। बताना यहां से क्या लिखूं? I बराबर NEAE, इसको लिखूंगा V/L इंटू टाऊ। बोलोगे? V को एक साइड कर लो, बाकी सबको I के साथ भेज दो। V को सेपरेट करो, बाकी सबको इधर भेज दो। क्या बनेगा देखो? I इंटू ML अपॉन में E इंटू E। क्या बन गया? E² NE² A इंटू क्या बना बेटा? टाउ। चेक करो कुछ छूटा क्या? नहीं छूटा ना। अब इसको देखो, और इसको देखने से क्या ख्याल आ रहा है तुम्हारे मन में? V बराबर क्या होता है? I इंटू R। दिखा कुछ? और जैसे ही हमने ऐसा सोचा कि V बराबर, तो ये देखो तुलना करके ये क्या है? R है। क्या है ये? R। तो यहीं से हम R के बारे में पता करते हैं।
तो आर बराबर फाइनल अपने पास क्या आ गया, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। यही है आर का फॉर्मूला। जो आप अभी तक सिंपल आर को क्या मानते थे, कांस्टेंट, वो अपने आप में क्या है, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक है, अब यहां से देखो ध्यान से, अगर हम इसमें बोल दे बताओ रेजिस्टेंस किस पे दिख रहा है कि आपको डिपेंड कर रहा है, बताओ। इसको और सजा सकते हैं, वैसे हम आगे सजाएंगे इसको प्रतिरोधकता में, प्रतिरोधकता कहाँ पर है, चलो यहीं पर देख लो, इसी को बताओ, इसी में देखना भी है ना, देखना, देखोगे ये वाला पूरा टर्म, इसी को बोल देंगे प्रतिरोधकता। क्या बोल देंगे, रेजिस्टिविटी। तो क्या बन गया बताओ, आर बराबर बताओ रो एल बाय ए, समझ गए क्या, जहां पर रो अपने आप में बताओ क्या है, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। यही है प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी, और हिंदी में बोलेंगे प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। अब ये फॉर्मूला स्टार लगा लो जो अभी हम जिससे सॉल्व कर रहे थे, क्या है रो एल ए, एल किसका, चालक का, एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किसका, चालक का, रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता किसका, चालक का, बराबर चालक का क्या आ जाएगा, रजिस्टेंस। तो R किस पर निर्भर करता है, देखिए R रो L एंड A पर निर्भर करता है, ये है आपके सामने। हाँ तो लगे हमने प्रूफ भी कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोलो सही है क्या, चलिए आगे चलते हैं। फिर से सुनिए इस फॉर्मूले को, रटिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, अगर ये रट लिए तो इससे सारे आ जाएंगे। इसी को कंपेयर करके क्या निकाल लिया, रो क्या निकाल लिया, एल और ए हटा दो, क्या बचा, एन ई स्क्वायर टाउ, यही क्या होता है, प्रतिरोधकता। आगे देखिए, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन किस पर, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, बोलो, पहला चालक की, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तीसरा चालक के पदार्थ की, नेचर ऑफ मटेरियल, चौथा तापमान पर, किस पर, तापमान। हम यही सोचते हैं सिर्फ, एक दो तीन कितने हुए, चार, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं जो नीचे आपसे कह रहा है, याद कर लो क्या कह रहा है, भाई चालक का प्रतिरोध धारा के प्रवाह की दिशा पर भी निर्भर करता है। हम अक्सर क्या रटते हैं, बस चार, कौन कौन से, लंबाई, क्योंकि ये तो समझ में आ गया भाई, R बराबर रो L बाय A, ये तो साफ साफ दिखता है, तीन इसमें से, बोलो भाई, एक दो तीन ऊपर वाले, और एक और कौन सा याद हो जाता बच्चे को, तापमान, लेकिन नीचे वाला वो भूल जाते हैं, पढ़ो नीचे वाले को। जी हाँ, अगर धारा का प्रवाह का दिशा आप क्या कर दो, चेंज कर दो, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। कैसे, इसके लिए एग्जाम्पल हम आपको ये सवाल के तौर पर लिए हैं, इस सवाल को देखिए क्या बोला है, विभिन्न पथों से प्रवाहित धारा की दिशा के आधार पर R12, R34 और R56 ज्ञात कीजिए, समझ गए ना, 1-2 कौन सा है, ऐसे जा रहा है धारा, 1-2 कैसे जा रहा है, ऐसे, अरे बोलो, 3-4 ऐसे, 5-6 ऐसे। ये है, बोलो 1-2 कैसे जा रहा है, ऐसे बहरी, 3-4 कैसे, ऊपर से, 5-6 तुम्हारी ओर से किधर जाएगा, इधर की ओर, ऐसे ऐसे हर बार धारा के प्रवाह का क्या है, दिशा चेंज है। तो बताइए सबसे पहले
आर वन टू के लिए क्या लिखेंगे? सिंपल है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बता दो, रो एल बाय ए, इसको दिमाग में रखना है आपको। अब चलिए पहले लिखते हैं आर वन टू के लिए। मटेरियल तो क्या है, सबके लिए सेम। चलिए अगर वन और टू ऐसे जाएगा तो लंबाई कौन सी होगी बताओ? 3a। इस धारा को कितना चलना पड़ेगा लंबाई? 3a। कितना? 3a। तो लंबाई की जगह क्या आ जाएगा? 3a। अपॉन में क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। बताओ कौन से क्षेत्रफल से ये जाने वाला है? यही वाला क्षेत्रफल तो इसके काम का है, रिमोट। अगर समझो ये क्यूबॉइडल है तो ये वाला इतना सा एरिया, कौन सा वाला? ये वाला। तो एरिया कितना है? a इंटू टू ए, ए इंटू टू ए, तो कितना बन गया? 3 rho a अपॉन में 2a square, तो कितना गया? 3 rho अपॉन में 2। चेक कर लो, ये आंसर है पहले का। हर बार हमें क्या लिखना है? लेंथ और एरिया। हर बार क्या लिखना हमें? चलो आदित्य खड़े हो जाओ, आदित्य गौर। चलो 3 और 4 के लिए बताओ, अगर धारा ऐसे करके आई तो कितनी लंबाई चलेगा वो? अगर 3 से 4 ऐसे गया तो कितनी लंबाई चल रहा है? ए। बैठ जाओ, बगल वाले उसके खड़े हो जाओ। एरिया बताओ कौन सा वाला काम का होगा इस बार? बताओ क्या लिखूं एरिया? ये वाला ना? बताओ क्या है होगा ये एरिया? बताओ एरिया क्या होता है? लंबाई गुने, तुम खड़े हो जाते, वो तब भी बैठेगा जब तुम सही बताओगे। बताओ ये एरिया क्या लिखूंगा मैं? ये वाला ऊपर वाला, ये एरिया उसने बोला 6a या 6a square? हाँ 6a square। बैठ जाइए, अब तुम्हें साले ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। सब तैयार है ना? मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो बातें करते हैं ना भैया, अभी बताता हूँ। रो ए अपॉन में, अभी देखना आप, तो कितना हो गया? रो अपॉन में 6 है। चेक करना कैलकुलेशन, चेक करना, चेक कर लिए? प्रेरणा तुम बताओगे, बताओ 5 6 में बेटा लंबाई क्या होगा? हाँ 5 6 में लंबाई, कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, सोचिए लंबाई कौन सा होगा? ऐसे जा रहा है धारा ऐसे, तो कितना लंबाई चलना पड़ेगा इसको? ऐसे जा रहा है धारा, कितना लंबाई चलना पड़ेगा? तुम बताओ कैसे, कितना? 2 है। ये चलना पड़ेगा ना, ऐसे जाएगा तो इतना सही तो चलना पड़ेगा। क्षेत्रफल कौन सा काम का? कौन सा? ये वाला। बताओ इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम? ए इंटू 3 ए। बैठ जाइए, तो 2 rho अपॉन में 3 ए, ये आ गया 5 और 6 का। ठीक है क्या? तो ये है रेजिस्टेंस, हर बार परिवर्तन हो रहा है किसके प्रभाव पर? धारा के प्रवाह की दिशा पर। पूछो क्या?
अब जरा देखिए, अगला है, खोखले बेलनाकार चालक से प्रवाहित धारा का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। खूब सवाल आते हैं, इसे सुनिएगा। मान लीजिए ये सिलेंडर है, बोलोगे तो सिर्फ इतना सा हिस्सा निपटा दो, सिर्फ ये वाला। क्या दिख रहा है आपको? बेलनाकार, ये इस तरीके से है, लेकिन इसमें एक और है, इसके ऊपर एक और है, तो ये अंदर समझो ठोस है। सिर्फ किस में बहेगा? इसके बीच में। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो समझिए। एक ऐसा बेलनाकार है, बोलो, इसके बाहर एक और आपने ऐसे बेलनाकार लगा दिया। धारा सिर्फ किस में प्रवाह होगा? इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में, ऐसे करके पूरे में। अंदर ठोस है, अंदर कोई भी धारा प्रवाह नहीं होगा, समझ गए? वो सिर्फ कहां पर धारा प्रवाह होगा और कैसे प्रवाह हो रहा है मैं बता दे रहा हूं आपको। ऐसे जाएगी धारा, कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, ये आई फ्लो हो रहा है। अगर ऐसे धारा प्रवाह हो रहा है तो आपसे पूछा है रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, प्रतिरोध। वो दिखाया आपको फिगर, देखो धारा सिर्फ किस में बह रहा होगा? इस वाले, अंदर में कोई धारा नहीं हो, तो बताइए प्रतिरोध कितना हो। आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। अगर हम चेक करें, बारी सबकी आएगी, ध्यान रखिएगा। अभी तो अब करके दिखाओ तुम बस बात। धारा ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो लंबाई कौन सी वाली होगी? ये वाली। कौन सी वाली होगी? कौन सी वाली होगी तुम बताओगे मुझे? लंबाई यही होगा ना। क्षेत्रफल कौन सा वाला होगा? ग्रीन ग्रीन। यहां देखकर बताओ कौन सा वाला? ये वाला। बोलो क्या लिखेंगे इसका क्षेत्रफल? तुम बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बताओ वो जो ब्लैक तुम पॉलिश करवाए हो मुझसे, उसका क्षेत्र सारा खेल लंबाई और किसका लिखने का है? क्षेत्रफल का। लंबाई बताओ क्या लू? एल। रेजिस्टिविटी रो मान के चल रहा हूं, प्रतिरोधकता। एरिया बताओ, क्षेत्रफल क्या लिखूं? आर टू का स्क्वायर। अगर मैं पाई आर टू स्क्वायर लिया तो इस पूरे में फिर फैलेगा, आर टू माइनस आर वन का स्क्वायर। समझ गए क्या? आर टू या पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। समझ गए क्या? इस वाले में क्या रहेगा? धारा बहेगा, क्योंकि पूरा आर टू में नहीं बह रहा है और ना ही पूरे आर वन में। कहां से कहां बह रहा है? आर टू माइनस आर वन में, आर टू माइनस आर वन में। तो क्या हो जाएगा? पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। समझ गए क्या? यही आंसर है इसका, प्रतिरोध का। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब देखिए, फिर से बोला है प्रतिरोध ज्ञात करें, कुछ दिया नहीं है तो मैं दे देता हूं। फिर से बेलनाकार है, क्या है? बेलनाकार। जरा बात को समझिएगा, इस बार धारा कैसे बह रही है मैं आपको बता रहा हूं। इस बार धारा ऐसे बह रही है, समझ गए होंगे? पिछली बार धारा बहने में और इस बार धारा बहने में अंतर है। पिछली बार बेलन के लंबाई के अनुदिश बह रहा है, बेलन के मतलब ऐसे धारा बह रहा था, कैसे? ऐसे। इस बार इधर से देखोगे तो ये ऐसे बह रहा है। देखो इसको मैं अगर आपको दिखाऊं, अंतर समझिएगा तभी हो पाएगा। इस बार ऐसे बह रहा है धारा। अगर आप टॉप से देखोगे, कहां से देखोगे? टॉप व्यू, तो आपको ये ऐसे दिखेगा। मतलब ऐसे समझो सिलेंडर है,
धारा कैसे बह रही है? ऐसे। बताओ ये लंबाई कैसे है? ऐसे। और लंबाई के क्या हो गया? लंबवत हो गया। इस बार धारा का प्रवाह लंबाई के क्या है? पिछले बार में धारा का प्रवाह लंबाई के अनुदिश। और अगर लंबाई के अनुदिश है तो जिस एरिया में वो फ्लो कर रहा था वो क्या था? कांस्टेंट था। एरिया क्या था? कांस्टेंट। लेकिन अब ऐसे फ्लो करेगा तो अब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा इस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या? रेडियस। क्या बढ़ता हुआ जा रहा है? रेडियस। अलग बात है कि लिमिट हम कहां से कहां लगाएंगे, आर वन से लेकर आर टू तक। अलग बात है कि लिमिट हम कहां से कहां लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा इसका आर वन और ये पूरा क्या हो जाएगा आर टू। बह रहा है आर वन से आर टू ही, लेकिन इस बार कैसे बह रहा है? लंबाई के लंबवत। अब एरिया कांस्टेंट, क्योंकि आर वन से जैसे बढ़ा जाओगे कुछ अलग रेडियस आएगा, फिर उससे बढ़ा जाओगे कुछ अलग रेडियस आएगा, और इस तरीके से होते होते कहां तक? आर टू तक। इस बार लंबाई के, बताओ लंबाई के क्या बह रहा है? धारा लंबाई के लंबवत बह रहा है। और अगर ऐसा है, और अगर ऐसा है तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस वक्त क्षेत्रफल कांस्टेंट है? नहीं, अब क्षेत्रफल कांस्टेंट नहीं है। और अगर नहीं है तो तुम याद किसको करोगे? समाकलन को। किसको? समाकलन याद करोगे। जब भी कोई चीज परिवर्तित हो, मतलब कांस्टेंट नहीं हो, तो हम किसको याद करते हैं? समाकलन को, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और उसकी लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ? आर वन से लेकर आर टू, आर वन से लेकर आर टू। अब मुझे बताओ ऐसे वाले में क्या करेंगे हम? किसी आर पर जाकर क्या मानेंगे? डी आर। किसी आर पर जाकर छोटा सा थोड़ी तकलीफ होगी तय है, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ देखा नहीं, कहने को तो ड्रॉपर हो बट करवाया नहीं गया होगा आपको, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक में तकलीफ आएगी, बस ध्यान देखे। आर पे जाके क्या माना? क्या माना? डी आर। इस डी आर में छोटा सा क्या होगा? रेजिस्टेंस। डी आर मतलब छोटी सी चौड़ाई का जो हमने स्ट्रिप मान लिया है। कैसा? वृत्ताकार। कैसा? वृत्ताकार। इस डी आर में छोटा सा प्रतिरोध होगा डी कैपिटल आर। आर का फॉर्मूला होता क्या है? रो एल बाय ए। अब इस छोटे से में डी आर मोटाई में क्या लिखेंगे? डी आर। क्या प्रतिरोधकता में कोई चेंज है? नहीं। रेजिस्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं। हमारा धर्म है लंबाई लिखना और क्षेत्रफल लिखना, लंबाई लिखना। और बताइए, अगर इस बेलनाकार की लंबाई, बेलन की लंबाई कितनी है? एल। कितनी है बोलिए? कितनी है एल? तो रो, अब सुनिएगा, अब बताओ लंबाई क्या लिखूं? गलत। एल के अनुदिश बह रहा है क्या? नहीं, ऐसे बह रहा है वो। तो ऐसे में तुम आर पे जाके क्या माने? डी आर। तो लंबाई इस बार इसका क्या हो गया? डी आर। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सुनिए, बेलन के लंबाई के अनुदिश धारा का प्रवाह, अगर बेलन के लंबाई के अनुदिश धारा का प्रवाह होता तो हम लंबाई क्या लेते? एल। लंबाई क्या लेते? एल। लेकिन बेलन के लंबाई के लंबवत हो रहा है, तो तुम ऐसे में जब जाओगे तो आर पे जाके क्या माने? डी आर। वो उसकी क्या है? धारा क्या हो गया? डी आर में कितना प्रभाव हुआ तो वो लंबाई हो गई। कौन सी? डी आर। अपॉन में लिखोगे एरिया। एरिया एक बेलन का क्या लिख सकते हैं? क्या सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में हो रहा है? नहीं, ऐसे पूरे ऊपर से लेके कहां तक? नीचे तक। सब जगह ऐसे, सब जगह ऐसे से जा रहा है कि नहीं? तो पूरी पूरा एरिया लोगे तो बताओ एक बेलन का पूरा एरिया कितना होता है क्षेत्रफल? ये गोले में कितना? 2 पाई आर। और नीचे कहां तक जाओगे? एल लंबाई तक।
टू पाई आर इंटू एल, और ऐसे ही पढ़े होंगे आप। एरिया क्या होता है बेलन का? टू पाई आर एल। क्या होता है? टू पाई, अगर पूरे बेलन को लोगे तो। सर आप पिछले बार तो ऐसा नहीं लिया। अरे पिछले बार बेलन का एरिया क्यों चाहिए? पिछले बार उसका एरिया चाहिए जिसमें धारा प्रवाह हो रहा है, वो बह रहा था पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। इस बार पूरे बेलन में बह रहा है, और लेकिन कैसे बह रहा है? ऐसे बह रहा है। तो हम क्या लिखेंगे एरिया? एक आर, आर रेडियस पे माने तो ये कितना हुआ? टू पाई आर। ऐसे पूरे कितने में है? एल में, तो टू पाई आर इंटू एल। और मात्रक भी देखो सही है, मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है मात्रक? मीटर स्क्वायर। अब बोथ साइड क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। ये तो जीरो से लेके कहां तक हो जाएगा? आर। इसमें आर वन से आर टू। बहुत बार आपको ए से बी बोल देंगे, क्या बोल देंगे? बात सेम ही है, लिमिट लगाना है। मैं इसको स्मॉल ले लेता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटल आर से आर वन, और ये क्या बोल दिया मैंने? आर टू। तो कहां से कहां लिमिट लगाएंगे? स्मॉल आर वन, स्मॉल आर वन से आर टू। डी आर का रेजिस्ट समाकलन आर, लिमिट लगाएंगे जीरो से आर, तो फाइनल क्या बनेगा? आर। डी एक्स का क्या होता है? एक्स। डी एक्स का क्या होता है? एक्स। डी आर का क्या होगा? आर। चलो उसमें से कांस्टेंट क्या क्या है बाहर निकालो। रो टू पाई आर, नहीं आर क्यों, एल। अंदर क्या बचा? वन अपॉन में आर डी आर। लिमिट बताओ, वन अपॉन एक्स का समाकलन एल एन एक्स, वन अपॉन एक्स का समाकलन, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो लगा दो, क्या बना? रो अपॉन में टू पाई एल एल एन एक्स। लिमिट बताओ, आर वन से एल एन आर हो जाएगा, वन अपॉन आर है तो एल एन आर। लिमिट आर वन से आर टू, अपर लिमिट माइनस, तो लिखेंगे एल एन आर टू माइनस एल एन आर वन। सर जी ये नीट में नहीं आएगा, क्यों करवा रहे हो? बुद्धि चलाने के लिए करवा रहा हूं। इसको लिख सकते हैं, बताइए क्या? याद करो, पढ़ाया था log a माइनस बी को लिखते हैं log a अपॉन में b। अरे बोलो भाई क्या लिखते हैं? log b अपॉन में a, log b अपॉन में a। एक प्रॉपर्टी था, क्या था बताना? अगर कभी log a माइनस क्या हो? log b, तो इसको लिखेंगे log a अपॉन में b, log a अपॉन में, तो यहां एल एन है तो यहां क्या हो जाएगा बताओ? फाइनल बताओ, रो अपॉन में टू पाई एल एल एन आर टू अपॉन में आर वन। ये भैया पूरा आंसर है। तोते उड़ा दिए मास्टर तुमने, पिछले टाइम तक तो अच्छा लग रहा था भाई। ये लाइट बंद करो बेटा, लाइट बंद करो जल्दी, कब से लाइट नहीं है? पीछे से लाइट बंद कर दो बेटा सारे। प्यारा सा सवाल था, एक बार टफ लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा समाकलन जो आप बार बार करते हो, वन अपॉन एक्स का क्या होता है? एल एन एक्स। बस बुद्धि सोचने वाली थी लंबाई लिखने में और क्षेत्रफल लिखने में, काम हो गया, ये आंसर आपके पास। ऐसे सवाल को देख लीजिए कैसे होता, मुझे पता है तकलीफ दी होगी, एक बार और तकलीफ में आप जाएंगे। आइए देखते हैं, इस बार गोलाकार है, कैसा है? इसको बोलते हैं स्फेयर, गोला। फिर से ये नहीं दिखने वाला आर वन, और ये क्या होगा? आर टू। अभी बेलन था, बेलन में जब ऐसे धारा बह रही थी तो वो वृत्त क्या दिख रहा था? सर्कुलर। क्या दिख रहा था? अब इस बार सर्कुलर नहीं होगा, फुटबॉल, उसके अंदर एक फुटबॉल। अब जो छोटा वाला फुटबॉल से कहां बह रहा है धारा? बड़े वाले, तो अब इस बार थ्री डी में जाएगा, हर जगह बह रहा होगा। बात को समझिए,
तो फिर से इसका पूछा है आपको क्या, प्रतिरोध ज्ञात करें। पिछला वाला जो किए थे बिल्कुल सेम है, सेम बिल्कुल सेम। आपको बस क्या लिखना है, लंबाई और क्षेत्रफल। जरा बताओ छोटे से, फिर से आर पे जाके क्या मानेंगे, डी आर। आर पे जाके क्या मानेंगे, डी आर। डरो मत, तुम तो बस तुम्हारा एक ही धर्म है, छोटे से में छोटा सा रेजिस्टेंस। तुम्हें क्या लिखना होता है, रो तो बिल्कुल वही है, लंबाई और क्षेत्रफल। अब बताओ लंबाई आर पे जाके हमने क्या माना है, डी आर। तो फिर से लंबाई कितना लोगे, डी आर। अपॉन में क्षेत्रफल, बस बताओ क्या लिखोगे, अपॉन में गोले का क्षेत्रफल 4 पाई। कितने रेडियस पे माने हो, आर, तो 4 पाई r² खत्म हो गया। 0 से r, कहाँ से कहाँ, r1 से r2। डी आर का बताओ बेटा, आर। कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, रो अपॉन में 4 पाई। अंदर बताओ, 1 अपॉन में r² dr, लिमिट r1 से r2। बताओ 1 अपॉन r² का समाकलन, 10 बार हटवा दिया हूं तब भी वही हाल। 1 अपॉन r² का समाकलन होता है माइनस का 1 अपॉन में r। कितनी बार बताया, 1 अपॉन x² का समाकलन होता है माइनस का 1 अपॉन x। नहीं है तो करके देख लो ना, r की पावर क्या हो जाएगा, -2। उसको लिखो, r की पावर -2 x^n प्लस 1 अपॉन में n+1, तो आ जाएगा कितना, माइनस का 1 अपॉन में r। तो बताइए यहाँ पर क्या आया, रो अपॉन में 4 पाई माइनस का 1 अपॉन में r, r1 से लेकर r2 तक, अपर लिमिट माइनस। तो बताओ जरा इसको क्या लिखूंगा, रो अपॉन में 4 पाई, जरा चेक करना, माइनस का 1 अपॉन r2 माइनस ऑफ माइनस का 1 अपॉन r1। जरा इसको चेक करो, रो अपॉन में 4 पाई 1 अपॉन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस r1 माइनस 1 अपॉन में r2। यही आंसर। यही आंसर। क्या लिखना धर्म है हमें, लंबाई और क्षेत्रफल। ऐसे सवाल में एक लास्ट, इसका प्रूफ बहुत लंबा जाएगा, मैं आपको रटने का तरीका बता देता हूँ, रटने का तरीका बता देता हूँ, प्रतिरोध ज्ञात करें। जरा देखिएगा रटने का तरीका, ये यहाँ ही काम नहीं आएगा। अभी मैंने जितने सवाल कराए हैं ये सारे सवाल रिपीट होंगे, कौन से चैप्टर में, हीट चैप्टर में। कौन से चैप्टर में, हीट में। अभी यहाँ कौन बह रहा है, करंट, धारा, वहाँ कौन बहेगा, उष्मा। ध्यान रखिए, सेम सवाल, सब कुछ सेम डिट्टो, बस वहाँ पर कौन बहेगा, उष्मा। करंट यहाँ बह रहा है उच्च विभव से निम्न विभव, वहाँ धारा बहेगा, सॉरी उष्मा बहेगा उच्च तापमान से, उच्च ताप से निम्न ताप। और सेम सवाल सारे करवाऊंगा, देख लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ। जरा इसको देखिए, डरने वाली बात नहीं है बेटा, इसका प्रूफ देखोगे लंबा सा जाएगा। पहले स्ट्रेट लाइन मानेंगे, फिर उस पर इंटीग्रेशन वगैरह लगाएंगे, कोई मतलब नहीं है, आएगा तो डायरेक्ट आएगा। सुनिएगा रटने का तरीका, क्यों ना ये आपको, इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम। अब हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बाल्टी आप देखो, बाल्टी जैसा दिख रहा है, क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रम को, अरे बाल्टी नहीं बोलते हैं फ्रस्ट्रम को, पता नहीं हिंदी इसका क्या बोलते हैं। कैसा शेप दिख रहा है, समझ गए, बाल्टी नीचे आप देखे हो क्या, आप अगर इसको देखो, तुम मुझे एक बात बताना बस, क्या बोलते हैं, हैं, हट, कुछ भी बोला जा रहा, इसमें धारा देखो कैसे बहेगा, ऐसे धारा कैसे बहेगा, देखो धारा कैसे बहेगा, ऐसे, क्या बह रहा है ये धारा। अब सुनना, अगर धारा ऐसे बह रहा है, ठीक है भाई, ये रेडियस कितना है रे, r2, रेडियस कितना है, तुम इसको बेलन मान लो, क्या मान लो,
अगर बेलन मानेंगे तो क्या यह ऐसा होना चाहिए था? क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? बताओ ये बेलन कब हो सकता है? जब R1 बराबर क्या हो जाए? R2। बताओ गलत कह रहा हूं क्या? ये बेलन कब हो सकता है? जब R1 किसके बराबर हो जाए? बेलन हो जाएगा जब R1 बराबर R2 हो। बोलो सही, तुम तो R1 R2 बराबर मान लो। अब सुनना ध्यान से, बताओ रेजिस्टेंस क्या भी ऐसे वाले का निकाले थे? ऐसे में बह रहे हो तो रो एल बाई क्या होता है? ए। तुम तो सिंपल, लंबाई कितना है इसकी? एल। लंबाई कितनी है? एल ही है बेटा। लंबाई कितनी है? एल। हमें क्या लिखना है? एरिया। क्या लिखना है? लेकिन एरिया अब कैसे ले? एक का छोटा है वृत्त और एक का बड़ा है। तुम तो क्या मान लिया इसका? बेलन। बताओ बेलन होता तो इस वाले का एरिया इधर से ही धारा बह रही है। अरे बोलो, तो ये एरिया बताओ क्या लिखते? पाई आर स्क्वायर। क्या लिखते? तो क्या लिखेंगे? रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर स्क्वायर तब लिखते हैं ना जब दोनों रेडियस क्या होता है? सेम। तो हम उसको आर स्क्वायर नहीं लिखकर लिखेंगे, आर वन इंटू आर टू। यही आंसर है, खत्म हो गया। वहां भी यही ट्रिक अपनाऊंगा। क्या मान लो? बेलन। बेलन का अगर इससे निकल रहा है, अगर ये इससे निकल रहा है तो ये एरिया क्या लोगे? पाई आर स्क्वायर। लेकिन तब लोगे ना जब इधर वाला और इधर वाला भी क्या हो? रेडियस सेम। तुम तो ऐसे लिखो पाई आर स्क्वायर को, पाई आर इंटू आर। एक रेडियस क्या हो गया? आर वन। दूसरा रेडियस क्या हो गया? आर टू। खत्म। क्या समझे? ये सारे सवाल टफ लगते हैं, मैंने आपको बता दिए। हाँ, टफ आपको ये वाला पहली बार लगा होगा, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप एक बार लिखना सीख गए, क्या लंबाई और क्षेत्रफल, तो एक दो तो टफ होंगे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी की क्लास यहाँ पर थी, ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है, ओके। लाइट नहीं आएगा क्या?